खबर सोनीपत से है, जहां पर सहायक लाइनमैन रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि बहालगढ़ के सब डिवीजन में तैनात है आरोपी। बताया जा रहा है कि प्लॉट में अस्थाई मीटर लगाने की एवज में मांगी थी घूस। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, पेश करेगी पुलिस। तो सोनीपत से ये खबर, जहां पर बहालगढ़ में स्थित सब डिवीजन में नियुक्त बिजली निगम के सहायक लाइनमैन को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी को गाँव पलड़ी के पास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी झुंडपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के प्लांट में अस्थाई मीटर लगाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। देखिए, नीरज कुमार वासीप अफसरा ने हमें कार्यालय में आकर एक शिकायत दी थी कि उसने अपने प्लाट पर एक मकान बनाना है जिसमें अस्थाई मीटर की ज़रूरत है, और उसने जब अस्थाई मीटर बिजली विभाग अपना बहालगढ़ के अंदर जब अप्लाई किया, और अप्लाई करने के पश्चात तो लाइनमैन जो यहाँ लव कुश नाम का लाइनमैन है जिसने 25,000 रुपये की डिमांड करी, जो उसकी शिकायत मिलने पर हमने तुरंत रेडिंग पार्टी तैयार की। रेडिंग पार्टी तैयार करने के बाद 25,000 रुपए में हमने लवकुश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसका अभी पूछताछ जारी है। जो भी इसके अंदर अगर किसी अन्य की संलिप्तता पाई जाती है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राम सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राम सिंह, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिजली विभाग बहालगढ़ डिवीजन के अंतर्गत असिस्टेंट लाइनमैन को जो है मकान पर अस्थाई मीटर के अवैज में जो है 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि नीरज है पबसरा निवासी, उसने ये शिकायत दी थी विजिलेंस को और पुख्ता सबूत जो है वो उपलब्ध कराए थे। उसके अवैज में जो है आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी जो है लवकुश है, गाँव जागोस जिला बागपत का रहने वाला है, और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। क्योंकि जिस प्रकार से पीड़ित ने झुंडपुर इंडस्ट्री एरिया में प्लॉट पर मकान बनाने के लेकर एक अस्थायी रूप से जो है मीटर लगवाना था और इसको लेकर अप्लाई उन्होंने किया था, लेकिन इसको लेकर जो है सहायक जो बिजली कर्मी है उसके द्वारा पैसे की डिमांड की गई थी लाइनमैन द्वारा, और इसी को लेकर अब जो है विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिस प्रकार प्रदेश की सरकार भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा रही है, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई है, और ये आरोपी को आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और संबंधित से और किस किस से इस प्रकार की जो है रिश्वत ली है या और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। चलिए राम सिंह, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।